नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। सीएम योगी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच मुलाकात हुई है। करीब 30 मिनट तक योगी और राजभर के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि वाराणसी के सर्किट हाउस में दोनों ने ये मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुभाषपा का गठबंधन भाजपा से हो सकता है। और इस मुलाकात के बाद ये अटकलें और भी तेज होती दिखाई दे रही है कि एक बार फिर से ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने, आइए आपको सुनाते हैं। योगी जी जहां रहते हैं वहीं आप नहीं देखिए, जो आप संयोग की बात किए, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, एक संयोग कहिए चाहे जो कहिए। जब मैं बीजेपी से गठबंधन किया तो बीजेपी में गए, वो भी मंत्री बने, हम भी गठबंधन में मंत्री बने, फिर भी दोनों का संबंध, फिर हम छोड़ दिए, हमें मिलने रहे, बराबर मिलते रहे। आज भी सरकार बनी उनकी, वो डिप्टी सीएम बने, हमें मिले हैं तो हम बराबर मिलते रहते हैं, हम संबंध निभाते हैं। जब बड़े नेता, जब मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, मोदी जी एक जगह चाय पी सकते हैं, तब ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दयाशंकर सिंह एक साथ क्यों नहीं चाय पी सकते हैं? अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आप पूर्वांचल की काफी सीटों पर प्रभावी हैं, तो ये अखिलेश के नजदीक रहेंगे या क्या? हमारी तो पहली प्राथमिकता का अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है, 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। लगातार इस सरकार पे हमलावर है अखिलेश यादव, क्या कितना नंबर दे रहे हैं इस सरकार को आप? वो करते हैं, देखिए विपक्ष का काम जो होता है, अब विपक्ष अपने लड़ाई से भटक चुका है। विपक्ष का काम है सरकार को वायना दिखाना। 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में, ये अखिलेश के पास आईना दिखाने के लिए नहीं है। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, 22,000 शिक्षक भर्ती में लूटा गया, ये आईना अखिलेश जी के पास, मायावती जी के पास नहीं है कि इसको दिखावे। अगर ये लोग क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री से मिलते, अगर ये पिछड़े दलित के हितैषी बनते हैं तो इनको जाना चाहिए वहां, मुख्यमंत्री से मिलकर कहना चाहिए कि समाज के ऊपर ये हो रहा है, इसको ठीक करो। वहां नहीं जाएंगे, लेकिन विरोध किस बात का है? आप हित चाहते हो तो दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हो? पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के सबसे बड़े दुश्मन मायावती और अखिलेश हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये अलग अलग लड़ करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज का हिस्सा लुटवा रहे हैं ये दोनों। ये एक साथ थे तभी क्या कर लिए? क्या कर लिए? आज हो जाए एक तो हम दिखा दें क्या होता है। ये जो नाम बता रहा हूं ना, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, जयंत जी और राजभर जी, 75+ होगा ये बता दे रहा हूँ। हम तो अगुआ है। वाराणसी के 2 दिन दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार बड़ा सियासी दाव चल दिया। सियासी दाव कहे या राजनीति की करवट लेने के साथ, राजनीति में सीएम योगी ने वाराणसी में एक बड़ी बिसात बिछा दी है। उन्होंने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और इसके बाद ये माना जाने लगा कि सुभाषपा जल्द ही भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल होगा और 2024 में बतौर गठबंधन भाजपा ये चुनाव लड़ेगी। यूपी की राजनीति में यह जो नया सियासी दाव है इसकी खासी चर्चा है। जैसा कि सुभाषपा पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर अपनी खासी पकड़ का दावा करती है, ऐसे में सुभाषपा प्रमुख की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यह मुलाकात भाजपा और सुभाषपा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कल देर रात जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने एक कार्यक्रम के बाद यहां सर्किट हाउस पहुंचे तो यहां पहले से मौजूद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उनसे मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बारे में उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन उनके साथ के लोगों का कहना है कि करीब आधे घंटे तक सीएम योगी के साथ उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें कई बातों पर चर्चा हुई। सुभाषपा के लोग इसे बता रहे हैं कि सुभाषपा प्रमुख के बेटे अरुण राजभर की शादी की उस पर आयोजित प्रीति भोज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आना था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण योगी आदित्यनाथ आ नहीं पाए थे। इसलिए जब वो कल वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने सुभाषपा प्रमुख के बेटे को आशीर्वाद भी दिया और
उनसे बातचीत भी की, लेकिन सियासी मायनों में यह मुलाकात कुछ और कहती है, क्योंकि भाजपा प्रमुख ने सीएम योगी के सर्किट हाउस से जाते ही विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां तक कह डाला कि विपक्षी पार्टियां जैसे कि सपा और बसपा, उनको राजनीति के लिए ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोग दिखाई देते हैं, दोनों ही पार्टियां पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं करती हैं, जबकि उन्होंने भाजपा के बारे में कुछ नहीं कहा। अपनी मुलाकात को उन्होंने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन सियासी दलों में इस मुलाकात को कुछ और ही कहा जा रहा है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि सीएम योगी ने सुभाषपा प्रमुख से मुलाकात की और उनसे कुछ गुफ्तगू की और चुनावी चर्चा भी की। प्रवक्ता है अरुण राजभर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राजनीति में सारे विकल्प खुले रहते हैं, इसलिए अगर भाजपा के साथ सुभाषपा फिर से गठबंधन करती है तो इसमें अविश्वास करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जल्द ही सुभाषपा का भाजपा के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जाएगी और दोनों ही पार्टियां मिलकर 2024 के चुनाव में मैदान में उतरेंगी। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ। हालांकि इससे पहले ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए और सपा में शामिल होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए भी दिखाई दिए। अब एक बार फिर से समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से ओपी राजभर एनडीए के खेमे में दिखाई दे सकते हैं।